हेलो माय फ्रेंड्स गाइस, आज से तकरीबन 60 साल पहले हमारी धरती ने सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च किया था, जिसका नाम था स्पुतनिक 1, जिसका वेट 83.6 किलोग्राम था। उसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुई, वैसे वैसे हमने बहुत बड़े बड़े सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च किया। आज का जो सबसे बड़ा सैटेलाइट इन द फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जो हमारे अर्थ के ऑर्बिट में है, यानी कि स्पेस में है, जिसका वजन तकरीबन 450 टन्स है। इस स्पेसक्राफ्ट को हमने स्पेस में बनाया, यानी कि हम बहुत सारे भारी भारी कंपोनेंट्स को ऊपर लेकर गए, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को और एडवांस किया, ताकि हम स्पेस एक्सप्लोरेशन को और बढ़िया तरीके से समझ सके। तो गाइस, जब भी बात होती है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स की, तब बात होती है हम कितना डीप जा रहे हैं। मतलब अब मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि आज जितनी भी रिसर्च चल रही है, वो सभी चल रही है नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर। यानी कि हम देखना चाहते हैं कि वो मटेरियल के बीच में क्या है, वो मटेरियल ऐसी प्रॉपर्टीज क्यों दे रहा है, इसलिए हम नैनो टेक्नोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं। और गाइस, सैटेलाइट यानी कि स्पेस इंडस्ट्री में भी सैटेलाइट्स का जो साइज हो रहा है, वो नैनो स्केल के ऊपर काम हो रहा है, और पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में ये स्केल पीको स्केल या फेमटो स्केल तक भी पहुंच जाए। आज इस वीडियो सेशन में मैं आपसे बात करूंगा सैटेलाइट्स के बारे में, यानी कि नैनो सैटेलाइट्स के बारे में, जो पूरी की पूरी स्पेस इंडस्ट्री को या हमारे जो स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम को चेंज करके रखेगी। सो गाइस, आप में से जिन लोगों ने अभी तक सैटेलाइट्स के बारे में नहीं सुना, या स्पेस के बारे में नहीं जानते, या नहीं पता कि क्यूबसेट्स क्या है, तो आपके लिए इस वीडियो सेशन को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इस वीडियो सेशन के बाद जान जाएंगे कि अल्टीमेटली सैटेलाइट्स किस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है। सो गाइस, वेलकम टू विंसी साइटेक एंड आई एम योर होस्ट जयदीप सिंह। लेट्स स्टार्ट द लर्निंग। स्पेस इंडस्ट्री में जो एडवांसमेंट्स हो रही है, वो हो रही है नैनो सैटेलाइट्स के ऊपर। नैनो सैटेलाइट में बहुत ही मेजर नाम हमारे सामने आता है, दैट इज क्यूबसेट्स। आप में से शायद कुछ यूजर्स ने क्यूबसेट्स के डिजाइन के बारे में सुना होगा, और जिन्होंने नहीं सुना उनको मैं बता दूं कि क्यूबसेट आज तक का सबसे छोटा सैटेलाइट बनाया गया है, जो अप्रोक्सीमेटली नैनो साइज सैटेलाइट है, यानी कि नैनो सैटेलाइट है, जिसका वजन यानी कि मास 1.33 किलोग्राम, और उसका साइज एक 10 सेंटीमीटर के क्यूब जितना है। यानी कि आप उसको, उस पूरे के पूरे सैटेलाइट को अपने एक हाथ में पकड़कर देख सकते हैं। मतलब इतने छोटे सैटेलाइट्स, और वो सैटेलाइट कंप्यूटर जितनी कंप्यूटिंग पावर को होल्ड कर सकता है, उसको प्रोसेस कर सकता है। आज से 15 से 20 साल पहले जो रिसर्चर्स ने, उन्होंने दिमाग लगाया कि हम इतने बड़े सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च करते हैं। मतलब बहुत सारी फंड्स, बहुत सारे फ्यूल्स के साथ हम एक पर्टिकुलर सैटेलाइट को ही एक स्पेस शटल में लॉन्च कर पाते हैं स्पेस में। क्यों ना ऐसा हो कि हम एक स्पेस शटल की जगह पर बहुत सारे छोटे छोटे सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च करें, और वो सभी सैटेलाइट्स आपस में एक सिंक्रोनाइजेशन के साथ एक दूसरे के साथ टच में रहें, यानी कि कॉन्टेक्ट में रहें, और वो पर्टिकुलर डेटा जिस रिक्वायरमेंट के लिए हमने उन सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च किया है, वो सभी सैटेलाइट्स अपना रिक्वायर्ड डाटा या अपने रिक्वायर्ड वर्क को हमारे तक पहुंचाते रहें। इसी प्रिंसिपल को यूज करते हुए, इसी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमने जो डिजाइन तैयार किए हैं, दैट इज द क्यूबसेट डिजाइन्स। आप में से न्यूज तो आई एम श्योर सुनी होगी कि हमारे साउथ के एक स्टूडेंट ने, दैट इज रिफात शाहरुख, उन्होंने 64 ग्राम की वर्ल्ड्स लाइटेस्ट क्यूबसेट डिजाइन बनाया। उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे वो पॉसिबल हो पाया। उससे पहले, ये जो नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर बात चल रही है, यानी कि क्यूबसेट्स के ऊपर, क्यूबसेट अल्टीमेटली एक बहुत छोटे सैटेलाइट्स हैं, जिनमें एक ऑनबोर्ड कंप्यूटर इंस्टॉल्ड है। यानी कि जितने भी प्रोसेसेस उनके जो सेंसर्स दे रहे हैं, या सेंसर्स का जो भी इनपुट डेटा है, उस डेटा को प्रोसेस करता है या पेलोड कैलकुलेशंस करता है, वो सभी उस क्यूबसेट का ऑनबोर्ड कंप्यूटर करता है। प्लस कुछ स्पेसिफिक वर्क को पूरा करने के लिए ही उस क्यूबसेट के ऊपर कुछ सेंसर्स लगाए गए हैं, जिसमें वो रोटेशन या रेडिएशन लेवल को मेजर कर सकते हैं, या जायरोस्कोपिक एक्शन को, एक्सेलरेशन को, वगैरह वगैरह थिंग्स को मेजर किया जा सकता है। अब जो डिजाइन हमारे इंडिया में रिफात ने बनाया था, उस डिजाइन का क्लेम किया गया कि वो वर्ल्ड की लाइटेस्ट सैटेलाइट है। उसका जो वेट है वो 64 ग्राम है। मतलब आज आप जो स्मार्टफोन भी यूज करते हो, उसका भी वेट तकरीबन इससे डबल होता है, यानी कि 130-140 ग्राम होता ही है मिनिमम। एक ऐसा सैटेलाइट जो आपके फोन से भी आधे वेट का है,
जिसकी कंप्यूटिंग पावर आपके फोन से भी ज्यादा है। यानी कि एक पर्टिकुलर ऐसा सैटेलाइट हमारे साउथ के स्टूडेंट ने डिजाइन किया गया, जिसको रिसेंटली जून के मंथ में नासा द्वारा स्पेस में लॉन्च किया गया। उस सैटेलाइट को 3D प्रिंटेड किया गया था कार्बन फाइबर मटेरियल से, प्लस उस सैटेलाइट में 8 सेंसर्स लगाए गए थे जो कि कुछ मिनट्स की फ्लाइट स्पेस में लेंगे और हमें ये बताएंगे कि एक्चुअल में जो भी 3D प्रिंटेड क्यूबसेट्स यानी कि जो स्मॉल सैटेलाइट्स हैं, क्या वो अल्टीमेटली एंटी ग्रेविटी एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकते हैं। मतलब ये एक जनरली टेस्ट था जो नासा ने पूरी दुनिया के सामने रखा था एक चैलेंज के रूप में कि आप अपना एक डिजाइन पेश कीजिए जी और हम उस डिजाइन को टेस्ट करेंगे और उसकी फिजिबिलिटी को जज करेंगे। ये तो हो गया क्यूबसेट के बारे में, जो भी उसकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और इन फ्यूचर जो भी नैनो टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है तो पॉसिबिलिटी है कि ये पीको सैटेलाइट्स या फेम्टो सैटेलाइट्स में भी काम हो, यानी कि ये कुछ ग्राम से कम होकर कुछ मिलीग्राम तक रह जाए। बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस की, तो वो गाइस बहुत ही अमेजिंग है। अब मान लीजिए कि आज जो भी आपको आप अपना गूगल यूज करते हैं या जो भी आपके फोन में वेदर एप्लीकेशन होती है जो आपको वेदर बताती है कि कल धूप होगी, बारिश होगी या क्लाउडी मौसम रहेगा, वो वेदर फॉरकास्टिंग जो बहुत ही तगड़े सुपर कंप्यूटर्स हैं वो सभी उस डेटा को परफॉर्म करते हैं। तो इतने बड़े उस वेदर फॉरकास्टिंग जो आप कुछ मिनट्स में देखते हो, एक दिन का वेदर फॉरकास्ट करने के लिए कंप्यूटर्स को बहुत हाई कंप्यूटिंग पावर की जरूरत पड़ती है, फिर भी वो डेटा पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं होता। क्योंकि मैं आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि अगर मैं कहूं कि उस डेटा को देखकर मैं इंस्टेंटली डिसाइड कर सकूं कि कल बारिश होगी या नहीं होगी तो ये इतना एक्यूरेट नहीं है। बट गाइज, अगर ये क्यूबसेट वाले डिजाइन या ऐसी सैटेलाइट्स हमारे इन फ्यूचर में लॉन्च की जाएंगी तो ये इतने ज्यादा क्वांटिटी में होंगी, यानी कि आप मान लीजिए कि जैसे आंट्स का जो झुंड होता है ना, चींटियों का झुंड होगा पूरा, वो स्पेस में जाकर फैल गया। मतलब बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स स्पेस में फैल गए और स्पेस की पूरी इंफॉर्मेशन अगर हम इस धरती के ऑर्बिट में उन्हें लॉन्च कर दें तो वो छोटे छोटे सैटेलाइट्स आपस में सिंक्रोनाइज करके हमें बताएंगे कि किस पर्टिकुलर एरिया का कैसा क्लाइमेट है और पूरे क्लाइमेट को स्टडी करके हमें ये इंस्टेंट और बहुत ही एक्यूरेट डिसीजन मिलेगा कि कल बारिश होगी कितने बजे, और वो डिसीजन बहुत हद तक आज की कंप्यूटिंग से एक्यूरेट होगा। प्लस जो क्यूबसेट के डिजाइन होंगे अगर वो स्पेस एक्सप्लोरेशन में यूज किए जाएंगे, यानी कि अर्थ के ऑर्बिट के बाहर अगर हम उन्हें इंटरप्लेनेटरी मिशंस में भी यूज करेंगे, तो जितना भी स्पेस वेदर होगा या गामा रे रेडिएशन या सोलर रेडिएशन, ऐसे कोरोनल मास इजेक्शंस जो सन में होते हैं, उन सभी के बारे में हमें इन एडवांस इंफॉर्मेशन मिल सकती है विद द हेल्प ऑफ क्यूबसेट सैटेलाइट्स। तो अल्टीमेटली जो क्यूबसेट वाले डिजाइन के सैटेलाइट है वो हमारे फ्यूचर को एक हिसाब से ड्राइव करेंगे। अगर हम आज मार्स पर जाना चाहते हैं या जुपिटर के मून्स को रिसर्च करना चाहते हैं, उन पे लाइफ को स्टडी करना चाहते हैं, तो अल्टीमेटली ये सैटेलाइट्स हमारी हेल्प कर सकते हैं। वो कैसे कि आप इन छोटे छोटे सैटेलाइट्स को, मतलब एक फ्यूचर प्लान है कि आप छोटे छोटे सैटेलाइट्स को स्पेस में छोड़ दो, बहुत सारे सैटेलाइट्स, अगर पॉसिबिलिटी है कि स्पेस में बहुत सारा मैटर भी प्रेजेंट है, हो सकता है कि कुछ क्यूबसेट्स कुछ डिजाइंस डिस्ट्रॉय भी हो जाएं, बट बहुत सारे डिजाइंस ऐसे होंगे जो आगे चले जाएंगे स्पेस में, हमारे सोलर सिस्टम में, हमारे यूनिवर्स में, गैलेक्सी में, तो वहां की जो भी इमेज होगी, वहां की जो भी रेडिएशन लेवल होगा, जो भी हमने रिसर्च करनी होगी, चाहे वो लाइफ की हो, चाहे वो वाटर की हो, किसी भी तरह की सब्सटेंस की या लाइफ स्पीशीज की हो, तो वो क्यूबसेट कर पाएंगे और वो डेटा अपने से प्रीसीडिंग क्यूबसेट को अपने से पिछले और वो अपने से पिछले यानी कि वो अल्टीमेटली डेटा हमारे तक पहुंच पाएगा। ये क्यूबसेट की बहुत ही इनोवेटिव मेथडोलॉजी है काम करने की और आई एम श्योर कि इन फ्यूचर में जितने भी सैटेलाइट्स डेवलप होंगे वो नैनो स्केल के ऊपर होंगे और हमारे फ्यूचर को पूरी तरह से हमारी स्पेस इंडस्ट्री को बदल के रखेंगे ताकि हम स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए और तैयार हो सके। तो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द क्यूबसेट डिजाइन एंड द नैनो सैटेलाइट्स एंड आई होप कि आपको इस वीडियो में एक अच्छी नॉलेज मिली होगी कि कैसे नैनो सैटेलाइट्स हमारे फ्यूचर को बदलेंगे और कैसे ये चीजें यूज हो सकती हैं। तो गाइस, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को, प्लस सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऐसी वीडियोस आपको इस चैनल के ऊपर रेगुलरली या इंटरवल्स में मिलती रहेंगी। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।